दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सॉल्यूशन में। दोस्तों इस चैनल पे मिलता है आपको सॉल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आपको EDS से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या सॉफ्टवेयर से, व्हाट्सअप या कॉल करिए और सॉल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज नया क्या है। दोस्तों आजकल एक गाना काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है वीडियो मिक्सिंग के लिए, और वो गाना कौन है जैसा कि आप थंबनेल देख करके समझ भी गए होंगे, और मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ कि वो गाना है बारिश बन जाना। और ये गाना काफ़ी डिमांड है आप लोगों के पास, और काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट करके मेरे से कहा भी था कि सर अगर ये गाना आपके पास बन गया हो या डिज़ाइन कंप्लीट हो तो कृपया कर इसे हम तक पहुँचाने का कृपा करें। तो दोस्तों इसमें कृपा वाली कोई बात नहीं है, हम तो बैठे ही हैं आप लोगों के सेवा के लिए। कोशिश और ये प्रयास रहती है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ और एक सही दिशा दे पाऊँ। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूँ कि मैं आप लोगों को आगे लेकर के बढ़ूँ और एक ऐसे जगह ले जा करके पहुँचाऊँ जहाँ पे आप लोग पहुँचना चाहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में कि ये प्रोजेक्ट आपको कैसे मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो वीडियो आप देख रहे हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा, और इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इसमें आपको पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। जो पासवर्ड आपको इसी वीडियो में मिल जाना है तीन पार्ट में, यानी कि दो दो अंक आपको तीन बार मिलेंगे, टोटल छः अंक आपको इसके अंदर डालना है और आपको इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद दोस्तों आपको इसके अंदर का मीडिया फाइल प्लस प्रोजेक्ट दोनों आपको एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। आइए हम इसे एक्सट्रैक्ट करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है इसकी टोटल साइज है 133 MB। आइए हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट हियर पे दोस्तों जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे वो पासवर्ड पूछा जाएगा जो कि आपको इसी वीडियो में मिला है। मिले हुए पासवर्ड को आप इस पे एंटर करेंगे, जैसा कि मैंने इसमें डाल दिया हुआ है, और हम करेंगे इसे सिंपली ओके। ये हमारा वो फाइल बाहर निकल करके आ गया है, और निकलने के बाद इसकी जो साइज है वो हो जाएगी 171 MB। चलिए हम इस प्रोजेक्ट को लोड करके देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट कैसा है और इस पे काम किस तरीके से करना है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि कोई पॉइंट छूट जाए और आप परेशान हो, चला ना पाएं, और बार बार आप कमेंट करेंगे या व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो फिर आपको भी परेशानी होगी और आपका टाइम भी ज़ाया होगा। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपको अपने EDS पे दिखेगा, और इसमें जो फुटेज यूज की गई है मैं आप लोगों को क्लियर करा दूँ कि वो फुटेज 1 मिनट की है। आगे किस फॉर्मेट पर कटिंग करना है वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। चलिए उस फुटेज को भी देख लेते हैं। दोस्तों जो फुटेज आपको इसमें लगाना है, हम करते हैं इसे मिनिमाइज़। दोस्तों ये वो फोल्डर है जहाँ पे आपको फुटेज पेस्ट करना है, और इस फोल्डर का आपको नाम रखना है प्ले एडिट फुटेज, जो कि आप ऊपर देख पा रहे होंगे। और जो इसकी टाइमिंग है दोस्तों, ये 1 मिनट की टाइमिंग है। अगली जानकारी मैं आप लोगों को और भी दे दूं कि ये MP4 पे कटिंग हुआ, यानी कि H.264 में, और कटिंग की गई आपकी एक फुटेज की जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपकी 130 MB आनी चाहिए। अगर ये कम है तो फिर आपको रिस्टोर करने में प्रॉब्लम होगी। तो जब भी आप फुटेज कटिंग करें तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपका डेटा अगर रिस्टोर होने में प्रॉब्लम करता है या फुटेज रिस्टोर नहीं होती है तो उसकी MB एक बार आप जरूर चेक कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो की जानकारी मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुकी है। प्रोजेक्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा जो कि आप डाउनलोड कर लेंगे, बिल्कुल फ्री प्रोजेक्ट है। दूसरी बात कि इस प्रोजेक्ट में जो फुटेज यूज हुए हैं वो 1 मिनट की MP4 फुटेज लगेगी, H.264 में कटिंग होगा। डी ड्राइव में आप प्ले एडिट नाम से एक फोल्डर बना करके वहाँ पर रख लेंगे, और इन सभी प्रक्रियाओं को करने के बाद भी दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ या फिर किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।